नमस्कार, कुक विद अर्चना मोहिनी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अलसी की चटनी पाउडर बना रहे हैं। यह बहुत ही हेल्दी है। जैसा कि आपको पता है कि अलसी जो है वो कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर सभी में फायदा करता है। यह इम्यूनिटी सिस्टम को भी फायदा करता है। तो इसकी चटनी अगर बना के रख लें और जो कुछ भी खाएं, सलाद खा रहे हैं या कोई नाश्ता खाना खा रहे हैं, उसमें थोड़ा सा गुड़ दें तो यह उसको और भी हेल्दी बना देगा। तो देखिए कैसे करते हैं। यह मैंने आधा कप अलसी लिया है, इसको ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। अलसी के संग ही आधा चम्मच जीरा, और यह अगर आपके पास साबुत धनिया है तो साबुत धनिया डालिए। मेरे पास अभी साबुत धनिया नहीं है तो मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ। इसको भी इसके संग भून लेते हैं। यह जीरा इसमें भुना जाएगा। मिर्च पाउडर और नमक इसी में डाल के थोड़ा चला लेते हैं, इसका मॉइस्चर खत्म हो जाएगा। तो इस स्ट्रिंग करी पत्ता को इसको भी थोड़ा भून लेते हैं, इसकी भी नमी खत्म हो जाए। और 6-7 कली लहसुन की है, इसको भी थोड़ा भून लेते हैं जिससे इसकी नमी खत्म हो जाए। जब इसकी नमी खत्म हो जाएगी तो इसके संग इसको ठंडा होने पर पीस लेंगे। अलसी का चटनी पाउडर बनकर तैयार हो गया है। इसको ग्राइंडर में पीस लिया है और ये शीशे की बोतल में रखे हैं। इसी में फ्रिज में रख देंगे इसको, और इससे निकाल के यूज करेंगे। अभी मैं एक स्प्राउट्स के संग बना रही हूँ। यह स्प्राउट्स के ऊपर मैं यह चटनी जो पाउडर है इसको डाल दूंगी। मूंग के स्प्राउट्स को इस बाउल में लिए हैं और इसके ऊपर थोड़ा अलसी पाउडर डाले हैं, ये चटनी पाउडर। इसके ऊपर हमने कटा प्याज, कटा खीरा, कटा टमाटर डाल दिया और हरी धनिया कटी हुई डाल दिए हैं। और इसको इस तरीके से सर्व करेंगे। आपको इसमें नमक, काली मिर्च और चाहिए तो ऊपर से डाल सकते हैं। यह बहुत ही हेल्दी है, और जिस तरीके से आपको पता है कि अलसी में इतने गुण हैं जो मैंने बताए थे, तो वो तो इसमें है ही है, स्प्राउट्स और सलाद भी है। तो आप इसको अपना बनाइए, अपने परिवार में बच्चों को, बड़ों को, सबको खिलाइए। और यह शाम के नाश्ते में भी खा सकते हैं और खाने के साथ भी खा सकते हैं। और आपको यह हमारी डिश कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किए हैं तो, और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में शेयर कीजिए। धन्यवाद।